मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट के फैसले से ये तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य है। 12 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अब इस मामले में अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट है होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में है और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7-11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे, साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। तकनीकी टर्म्स में कहा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। मौजूदा समय में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के ठीक बगल में शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है। 11 एकड़ में मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे में है। ये पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन के एक छत्र कब्जे को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पूरा परिसर श्री कृष्ण जन्मभूमि है और मंदिर तोड़कर ही यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। ये विवाद लगभग 350 साल पुराना है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में साल 1670 में श्री कृष्ण जन्मस्थली को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आगे चलकर इस पर मराठाओं ने मंदिर बनाया और इसका नाम केशव देव मंदिर हो गया। फिर 1815 में अंग्रेजों ने यहाँ की जमीन नीलाम की तो उसे काशी के राजा ने खरीदी तो लिया, लेकिन मंदिर नहीं बनवा पाए और जमीन खाली पड़ी रही। 1944 में ये जमीन जुगल किशोर बिड़ला ने खरीदी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना और उसी ट्रस्ट को ये जमीन दे दी गई। ट्रस्ट के पैसों से ही 1953 से 1958 के बीच ये मंदिर बना। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नाम की नई संस्था बनी, जिसने 1968 में मुस्लिम पक्ष से समझौता किया। इसी समझौते को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। समझौता था कि मंदिर और मस्जिद दोनों इसी जमीन पर रहेंगे। हालांकि अब श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानता, क्योंकि समझौता करने वाली संस्था का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। अब हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपील की है कि इस परिसर का सर्वे कराया जाए और यहां मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।